नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। पुरातन समय में कई ऐसी इमारतों का निर्माण किया गया था जो सदियां बीत जाने के बाद भी रहस्य बनी हुई हैं। मुगल काल में रोहतक के पास एक ऐसी इमारत का निर्माण किया गया था जिसे इतिहास के पन्नों में चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना और ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस सदियों पुरानी बावड़ी में अबूझ सुरंगों का एक जाल भी बिछा हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ पर पुराने समय में चोरों के द्वारा लूटी गई अकूत धनराशि के जमा होने की बात भी कहते हैं। आइए आज आपको इस मुगलकालीन चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्यों कहा जाता है चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना? हरियाणा के रोहतक जिले के महू क्षेत्र में ज्ञानी चोर की गुफा, चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना के बाबत कई कहानियां प्रचलित हैं। यह बावड़ी जमीन में कई फीट नीचे तक बनी हुई है। इस बावड़ी में एक कुआं भी बना हुआ है। कुएं के ऊपरी सिरे पर एक पत्थर लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इस पर फारसी भाषा में स्वर्ग का झरना लिखा हुआ है। वहीं चोरों की बावड़ी इसलिए कहते हैं कि इस जगह का निर्माण चोरों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया था। चोरों की बावड़ी में दफन है खजाना। माना जाता है कि सदियों पहले बनाई गई इस बावड़ी में खजाना छुपा हुआ है। इस बावड़ी में सुरंगों का जाल भी बिछा हुआ है। यह सुरंगें दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाती बताई जाती हैं, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। बावड़ी में फारसी भाषा में लगे पत्थरों के अनुसार इस स्वर्ग के झरने का निर्माण मुगल राजा शाहजहां के सूबेदार सेधु कलाल ने 1658 से 59 ईस्वी के बीच करवाया था। इसमें एक कुआं है। इस कुएं तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। इस कुएं के चारों तरफ कई कमरे भी बने हुए हैं जो कि उस जमाने में राहगीरों के आराम के लिए बनवाए गए थे। इस बावड़ी से जुड़ी हैं यह कहानियां। इस बावड़ी को ज्ञानी चोर की गुफा भी कहा जाता है। इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर एक शातिर चोर था जो धनवानों को लूटता और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता और अगले दिन फिर राहजनी के लिए निकल आता था। लोगों का यह अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। ज्ञानी चोर के बावड़ी में दफन खजाने को जो ढूंढने अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। कई जानकार इस जगह को सेनाओं की आरामगाह बताते हैं। उनका कहना है कि रजवाड़ों में आपसी लड़ाई के बाद राजाओं की सेना यहाँ रात को आराम किया करती थी। शाम व पानी की सुविधा होने के कारण यह जगह उनके लिए सुरक्षित थी। एक अन्य कहानी के अनुसार अंग्रेजों के समय में एक बारात सुरंगों के रास्ते से दिल्ली जाना चाहती थी। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे बाराती ना तो दिल्ली पहुंच पाए और ना ही वापस आए। इसके बाद किसी अनहोनी घटना के चलते अंग्रेजों ने इस गुफा को बंद करवा दिया था जो आज भी बंद पड़ी है। सरकार की अनदेखी से बावड़ी हो रही खंडित। बावड़ी के पानी के अंदर अक्सर गंदगी व अन्य तरह की वस्तुएं तैरती हुई देखी जा सकती हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। चमगादड़ों ने नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास अपना डेरा जमा लिया है। सुरंगों पर लगे लोहे के दरवाजे जाम हो चुके हैं। जगह जगह से टूटने के कारण छोटी ईंटों का मलबा बावड़ी के अंदर गिरने लग गया है। इलाके के लोग बावड़ी की खस्ता हालत पर चिंता जताते हैं। यह जगह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, इसके बावजूद इसकी देखभाल नहीं हो पा रही। कई बार प्रशासन से इसकी रिपेयर करवाने की गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु स्थिति यथावत है। सो दोस्तों, यह थी चोरों की बावड़ी, स्वर्ग के झरने से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।